नमस्ते बच्चों, आपका कक्षा में स्वागत है। आज हम संचयन भाग एक से हामिद खां यह पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक को जब पाकिस्तान यानी तक्षशिला, पाकिस्तान का एक दूसरा नाम था पहले, तक्षशिला में किन्हीं शरारती तत्वों के द्वारा आग लगाए जाने का समाचार मिलता है तो लेखक वहाँ के अपने एक मित्र और उसकी दुकान की चिंता होने लगती है लेखक को, क्योंकि उस मित्र की दुकान तक्षशिला के काफ़ी नज़दीक थी। इस पाठ में लेखक अपने उस अनुभव को हम सभी के साथ साझा कर रहे हैं जब वह पाकिस्तान यानी तक्षशिला के खंडरों को देखने गए थे और भूख और कड़कती धूप से बचने के लिए कोई होटल खोज रहा था। होटल को खोजते हुए लेखक जब हामिद खान नाम के व्यक्ति की दुकान में कुछ खाने के लिए रुकता है तो जो भी वहाँ घटा लेखक ने उसे एक लेख के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए देखेंगे इस पाठ में क्या दिया है। इस पाठ के जो लेखक है इनका नाम है शंकर कुट्टी कोटक्कट। इनका जन्म 14 मार्च 1913 में केरला में हुआ था। एस के कोटक्कट का जन्म कोझिकोड के एक अंग्रेजी स्कूल में शिक्षक कंचीरमन पोटोटकेट के पुत्र के रूप में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा हिंदू स्कूल और कोझिकोड से मिजोरम हाई स्कूल में की थी। उन्होंने 1934 में कोमईकोड के जमोरिन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद 3 साल तक रोजगार नहीं मिला और उन्होंने अपना समय भारतीय और पश्चिम क्लासिकल के अध्ययन से क्लासिक्स के अध्ययन में समर्पित किया। 1937 से 1939 तक उन्होंने कलिकट गुजराती स्कूल में एक शिक्षक के रूप में काम किया था। उन्होंने 1939 में त्रिपुरा कांग्रेस में भाग लेने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। फिर वह बॉम्बे, अब मुंबई है उसका नाम, गए और किसी की सफ़ेद कॉलर नौकरियों के लिए एक विकेट विकसित करने के लिए केवल कई नौकरियां ली। वह 1945 में केरला लौटाए। 1952 में उन्होंने सुश्री जयवल्ली से विवाह किया और कलिकट में पथियार में बस गए। पोटक्कट के में 4 बच्चे थे, दो बेटे और दो बेटियां। 1980 में पोटक्कट की पत्नी की मृत्यु हुई और इसके बाद उनकी हालत बहुत ख़राब हुई और 1982 में पक्षघात के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 अगस्त 1982 को उनकी मृत्यु हो गई और वही उत्तरी एवेन्यू के कामों में थे जो वो एक उपन्यास दिल्ली में भारतीय संसद 1962 और 1967 के सदस्य के रूप में अपने अनुभव का वर्णन करते थे, लेकिन उपन्यास पूरा नहीं हो सका। तो इस प्रकार से ये शंकर कुट्टी पोटक्कट है, उन्होंने यह पाठ लिखा है।